नीमच में एक तरफ जहां किराना जिंसों की देश की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, तो वहीं इन्हीं किराना सामग्रियों को पॉलिश किए जाने का गौरव धंधा भी यहां बड़े पैमाने पर हो रहा है। पॉलिश का ये धंधा लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ करने वाला है, क्योंकि जिंसों को चमकाने के चक्कर में धंधेबाज लोग ऐसे कई केमिकल और कलरों का उपयोग करते हैं जो खाने योग्य नहीं है, जिसका खुलासा हाल ही की प्रशासन की छापामार कार्रवाई के दौरान हुआ है। नीमच में बीते दो दिनों में जिला प्रशासन की टीम ने धनिया और हल्दी मिर्ची को पॉलिश और रंग करने वाले दो प्लांटों पर कार्रवाई की है, जहां प्रशासनिक अधिकारी खुद ही बहुत चेक के रह गए कि किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ धंधेबाज लोग खिलवाड़ करने में लगे हैं। प्रशासन की पहली कार्रवाई जो कि धनिया संचालक राजन ढींग की फर्म रोहित ट्रेडिंग पर की गई, जहां पर 2540 किलो सल्फर पॉलिश किया धनिया मिला, जो कि हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि सल्फर मानव शरीर के लिए काफ़ी घातक है और यहां एक भट्टी में सल्फर के धुएं से धनिया को पॉलिश किया जा रहा था। ऐसे ही खाद्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें भारी तादाद में हल्दी और मिर्ची और धनिया पॉलिश करा हुआ मिला, जो कि काफ़ी हानिकारक बताया जा रहा है। ये कार्रवाई नीमच के चौकन्ना बालाजी स्थित बालूराम हुकुमचंदकर की फर्म के यहाँ की गई। यहाँ तो धनिया में अन्य जिंसों के डेंटल भी मिलाए जा रहे थे, और तो और ये फर्म राजस्थान के उदयपुर के नाम से यहाँ पैकिंग कर मिलावटी सारी सामग्री वहीं बेच रही थी। किराना जिंसों में किस तरह का मिलावट का गौरव धंधा किया जा रहा है, इसे लेकर धनिया भट्टी में काम करने वाले एक मजदूर ने नाम और पहचान छुपाने पर खुलासा किया, जबकि उपभोक्ता मिलावटी सामग्री के इस गौरव धंधे का खुलासा होने के बाद आक्रोश में है। सर, इसको जो हम चमकाने के लिए पॉलिश करने के लिए इसमें कलर उड़ाया जाता है, और जो सड़ी गली मिर्ची वगैरह रहती है इसमें हम वो पीस के डालते हैं, और उसको हम जो हमारे बॉस लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि सर ये क्या सर, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं सब सही है, अब हम भी क्या करें, हम मजबूर हैं और हम जो है दो पैसे की दानकी के लिए लगे हुए हैं, और आगे से हमारे को आदेश आता है कि ये सब करो। और सल्फर वगैरह जो रहता है धनिया के अंदर भट्टी में उसको पका के वो डाला जाता है, लेकिन वो बहुत गलत चीज़ है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इस बात को हम समझते हैं, लेकिन हमारे बॉस लोग जो आगे हैं वो कहते हैं हमसे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और आपको इसमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब कुछ ठीक है, और उस भट्टी के पास में हम खड़े भी नहीं रह सकते हैं, उसमें इतनी घुटन रहती है, इसलिए हम भी थोड़ी देर के लिए उसके लिए हम बाहर आ जाते हैं। जो धनिया है, धनिया के पूरा जड़ से वो लेकर धनिया को मिक्स करके पाउडर बनाया जा रहा, और मिर्ची जो है मिर्ची के अंदर भी क्या पाउडर डाल के केमिकल वगैरह डाल के ना वो बनाया जाता, हमको इतना ध्यान रहता नहीं, हम तो ग्राहक है लेके आ जाते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, और घर में लाते हैं, घर में भी कुछ इस तरह की चीज़ें, कभी किसी का पेट दुख रहा, कभी क्या हो रहा, तो हम ये सोचते हैं कुछ वातावरण की वजह से हो रहा, पर चीज़ें हम गलत खा रहे हैं तो गलत चीज़ें हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट कर रही है, कभी कभी किडनी पे भी इफेक्ट हो सकता है, कभी हार्ट का पेशेंट भी हो रहा है आदमी, और बहुत सारी बीमारियाँ इससे पैदा हो रही है, तो इससे इसके लिए तो ये होना चाहिए ऐसे ऐसे जो उत्पादक जो है जो ऐसी ऐसी व्यवस्था जो कर रखी उन्होंने, तो उसके उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इससे तो उसको या तो फांसी लगा दी जाए या उसको रासुका, यानी कि प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि इस टाइप का कदम भी फांसी देनी है, रासुका लगाओ उसके ऊपर, यानी कि वैसे टाइप से ना कार्रवाई होती रहनी चाहिए। अब एक कार्रवाई आज हुई है, इसके बाद प्रशासन चुप हो जाता, बोलता है कुछ भी नहीं, जबकि बोलना चाहिए प्रशासन को भी, और ऐसे कितने पेपर में कहते आदमी एड भी देता है कि आज ये हो रहा, वो प्रशासन ध्यान देता ही नहीं इसको, तो प्रशासन को भी इस तरह पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इस तरह पर ध्यान देना चाहिए, और खाद्य विभाग भी ना सक्रिय। धनिया हो या मिर्ची या हल्दी, ये सभी आमतौर पर हम सभी के घरों में रोजाना इस्तेमाल होती है और इसे हम रोजाना खाते हैं, लेकिन ये कितने खतरनाक है इसका अंदाजा नीमच में हुई दो कार्रवाई के बाद साफ हो चुका है। स्वास्थ्य अधिकारी भी मिलावटी चीज़ों के खाने पीने से लोगों को गंभीर बीमारियों की शिकायत बढ़ने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। मिलावटखोर अपने थोड़े से मुनाफे के चक्कर में लोगों के जीवन को ही दाव पर लगाने में लगे हैं, लेकिन इस पर प्रभावी कार्रवाई न होना इसे बढ़ावा दे रहा है, पर अब ये मांग जोरों से उठने लगी कि इन पर रासों का जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, किसी भी खाद्य पदार्थ में जो अखाद्य जो खाने वाली चीज़ नहीं वो अगर अपन मिलाते हैं तो गुर्दे और लीवर इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, 99% नुकसान होने की संभावना है ना, इनका सबका लीवर एंजाइम अगर कराएंगे, वो अखाद्य पदार्थ अगर आदमी कोई खा रहा है खाने में एडल्ट्रेशन है और ये अगर ले रहा है तो उसका एंजाइम लीवर एंजाइम ऑलरेडी बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी जो अपन नॉर्मल कोर्स में देखते हैं सामान्य आदमी का भी एंजाइम टेस्ट करते हैं तो सबका बढ़ा हुआ आता है, तो वो पैथोलॉजी की वजह से नहीं है, वो जो अखाद्य पदार्थ में जो केमिकल्स हैं इनकी वजह से ये हमेशा शरीर के लिए नुकसानदायक है। अपने यहाँ इतने संसाधन नहीं है कि अपन उतनी बारीक से जाँच कर सके, अपन तो काम चलाओ जो संसाधन है उन्हीं पर कर रहे हैं, अगर बारीक से जाँच की जाए एक एक एंजाइम्स की तो डेफिनेटली इसमें बढ़ा हुआ आएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में मिलेंगे, बिल्कुल इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कैंसर और अभी रिनल गुर्दे के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जिनका गुर्दा काम नहीं कर रहा है,
तो संभवता है कि ये एडल्ट्रेटेड फूड। नीमच शहर में जो है खाद्य पदार्थों पर जो है कलर करके जहरीले कलर से चढ़ाने का, उसकी जो है मिलावटखोरी का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, जो जिला प्रशासन द्वारा अभी कार्रवाई कर जो है उसका खुलासा किया गया है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गोरख धंधा है ये लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम जिला चिकित्सालय में खड़े हैं और यहाँ भी हम यदि देखते हैं परिस्थितियाँ, तो ज़्यादातर लोग पेट से परेशान हैं, कोई रिएक्शन हो गई चमड़ी में रिएक्शन हो गई, डॉक्टर से पूछा जाता है, तो उनका कहना ये है कि ये सब जो है आप जो खराब जो खाद्य पदार्थ ले रहे हो, जो मिलावटी खाद्य पदार्थ ले रहे हो, उससे जो इस प्रकार की जो है स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो एक तरीके के माफिया हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, मिलावट खोर हैं, ये जो है बहुत बड़ा एक रैकेट चला रहे हैं और इस रैकेट के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई कर जो है इन पर रासुका लगाई जानी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी कार्रवाई से इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन पर यदि छोटी मोटी कार्रवाई जुर्माना करके इनको छोड़ा जाता है तो ये इतना पैसा कमा चुके हैं, अचूक धन कमा चुके हैं कि वो पैसा भर के ये वापस बरी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इनके खिलाफ जो रासुका जैसी सख्त कार्रवाई, ताकि जो है इनको सबक मिले और साथ में इनकी संपत्तियां भी जो है इन्होंने जो गलत काम करके प्राप्त करी वो भी जब्त की जानी चाहिए। नीमच में किराना जिंसों को पॉलिश किए जाने का एक बड़ा सा हब यहाँ बन गया है, जहाँ से पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है। अच्छी चमक और चकाचौंध कर देने वाली पैकिंग को देख ग्राहक धोखा खा जाते हैं, लेकिन अब ये समझने वाली बात होगी कि हर चमकने वाली चीज़ अच्छी हो ये जरूरी नहीं, पर आमजन करे तो करे क्या, इसे लेकर शासन प्रशासन को ही सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। नीमच में जिला प्रशासन ने दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम तो दिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई धंधेबाज अब भी हैं जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि ये जो चीज़ें सामने आई हैं ये वाकई में चौंकाने वाली होने के साथ ही गंभीर भी हैं। ऐसे में वे इस पर सख्त कदम उठाते हुए लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। शहर में इस प्रकार की सूचना थी कि यहाँ पर जो धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, ये भी मतलब अखाद्य जो कलर्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, उनका इस्तेमाल करते हुए और उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है। ये सूचना प्राप्त होने पर कल अर्थात 28 तारीख को हमने पुनः जो अपना नीमच का चौकन्ना बालाजी क्षेत्र है वहाँ पर ये राजेश पिता ये बाबूलाल हकीम चंद जो गर्ग है उनकी मसाला पैकिंग प्लांट के ऊपर हमने छापा मारा और वहाँ देखकर निश्चित रूप से पूरी टीम दंग रह गई कि किस प्रकार से जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहाँ पर हल्दी, धनिया, मिर्ची को जो बिल्कुल अखाद्य किस्म की सामग्री है उसको अखाद्य जो कलर्स हैं उनके द्वारा उसको तैयार किया जा रहा था। इसी प्रकार प्लांट यहाँ पर है, पैकिंग यहाँ हो रही है और उसके अंदर उदयपुर की जो फर्म है उस फर्म के नाम से उसकी पैकिंग करके और उपभोक्ताओं के साथ सरासर धोखाधड़ी भी की जा रही है। फिर चीज़ जो है उसको हमने जब्त किया है जो पूरी तरह से फंगस लग चुकी थी, सड़ चुकी थी, जिसको सूंघने से ही मतलब उसमें स्मेल आ रही थी, लेकिन उसको भी वहाँ पर पीस कर और उसका पाउडर तैयार करके इस तरह के अखाद्य जो कलर्स है उनको इस्तेमाल करके उन्हें भी, निश्चित रूप से ये कार्यवाही कोई एक या दो दिन की नहीं है, ये निरंतर जारी रहने वाली कार्यवाही है और जिला प्रशासन इस सिलसिले में बिल्कुल कमर कस चुका है कि इस तरह से जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सूचनाएं निरंतर हमें प्राप्त हो रही है और हमारी टीम उसके ऊपर एक अच्छी कार्य योजना तैयार करके और ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, न केवल इस प्रकार के अखाद्य पदार्थों के विरुद्ध बल्कि दूध, जो सिंथेटिक दूध वगैरह बनाने की गतिविधि है या इसी प्रकार के अन्य जो मिलावटी पदार्थ हैं, फ्रूट मार्केट के अंदर जिस तरह से फलों को तैयार किया जा रहा है जो कि निश्चित रूप से लोगों की जो स्वास्थ्य है उसके प्रति हानिकारक है, इन सारे गतिविधियों के ऊपर लगातार कार्यवाही होगी। हमारा आशय यही है कि लोग इस बात मतलब इन कार्यवाहियों से अपनी इन गतिविधियों को रोके और इसके अंदर ये है कि पहले तो जो सैंपल लिए गए हैं वो भोपाल लेबोरेटरी के अंदर भेजे जा रहे हैं, वहाँ से उनका नमूना परीक्षण होने के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त होती है, दोनों प्रकार की कार्यवाही होगी। इसके अंदर फूड सिक्योरिटी जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम के तहत जो अधिकतम पेनल्टी है
विभिन्न प्रकार के अपराधों में विभिन्न प्रकार की पेनल्टी एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई है। न केवल वो पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी बल्कि आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं उन धाराओं के तहत भी उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे।